संदीप जैन साहब और सचिदानंद उत्तेकर, आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग जैन साहब, शुरुआत आप कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। लॉन्ग टर्म पिक है अनिल जी, लक्स इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कंपनी है और क्वालिटी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है कि जो रूरल इंडिया में, जो भारत में जो ग्रोथ आई है और जो इस बार मॉनसून अच्छा है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इन कंपनियों में पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है, अगर मैं लक्स इंडिया की बात करूं, लक्स इंडस्ट्रीज की, तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत महंगा नहीं है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स जो कि पेज इंडस्ट्रीज है। और दूसरी बात यह है कि इस कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 28-29% है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 28%, ग्रोथ भी कंपनी 8-10% की दे रही है और डेट्स बहुत कम है, 125 करोड़ के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं 3000 करोड़ की मार्केट कैप में। और एक और बढ़िया बात लक्स इंडस्ट्रीज में जो मुझे लगती है, पिछले कुछ महीनों में इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छा अपना स्टेक बढ़ाया है, तो इन सबको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर सकता है। और जो पेनेट्रेशन रूरल इंडिया में होने वाला है वो अभी भी बहुत कम है और मैं ये कहूंगा कि आने वाले सालों में ये कंपनियां सारी ग्रो करेगी। और इनमें से इनका तो बहुत बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक द कंपनी और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ है पिछले 3 साल की, अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो करीब 25-26% की है और इक्विटी भी छोटी सी है और करीब 5 करोड़ की इक्विटी है। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक आराम से आने वाले कुछ महीनों में 1430 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओके, 1400 रुपए तक के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय है। लक्स, ये कौन सा वाला लक्स है? वो अपना लक पहन के चलो, ये वो वाला लक्स है कि कौन सा है? इसकी टैगलाइन क्या है जैन साहब? लक्स कोजी अंदर का मामला है। आइए पोजिशनल स्टॉक के तौर पर लेते हैं जैन साहब का स्टॉक। जैन साहब बताइए कौन सा स्टॉक है आपको पसंद पोजिशनल ट्रेड करने के लिए आज से? ये स्टॉक है, वरिंदर जी ने शायद एक्सरे में इसका एक्सरे भी किया हुआ है, और वो स्टॉक है जियोजी फाइनेंशियल्स। देखिए अनिल जी, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है इनका जो मतलब प्रोमोटर्स का बेस, आप ये देख लीजिए, जियोजीत पीएनबी बीएनपी पारिबा, राकेश झुंझुनवाला जी का स्टेक है इसमें, केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केएसआईडीसी का स्टेक है। और सबसे बढ़िया बात है, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूं, हम लोग भी एक ब्रोकर है, मुझे पता कि किस तरीके से अप्रैल में तो ट्रेडिंग हॉलीडेज कम थे बट फिर भी जबरदस्त मार्च के जितने लोगों के रेवेन्यूज थे। आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज रेकमेंड किया था, उनका कल 5paisa.com का रिजल्ट आया, सब बहुत बढ़िया आए हैं। फिर उसके बाद मई में बेहतरीन, मतलब अप्रैल से भी आई थिंक 30-40% का ऊपर का रेवेन्यू, फिर मई से जून में एक्स्ट्रा और रेवेन्यू। सो ओवरऑल ऑल दीज कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल और मुझे ऐसा लगता है कि जियोजी फाइनेंशियल्स 1000 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप की कंपनी है और वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं और ऊपर के लेवल्स मुझे लगते हैं कि आराम से ये 50 रुपए तक छू सकता है। और इस बार जो रेवेन्यूज की अगर हम बात करें क्वार्टरली, अगर मार्च का ही रेवेन्यू बहुत अच्छा आया इनका, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्च में अगर आप ये इनके नेट प्रॉफिट्स देखें तो करीब 35 करोड़ के थे और टीटीएम बेसिस पे 47 करोड़ के, 305 करोड़ के टॉप लाइन पे। और आने वाले दिनों में मुझे पर्टिकुलरली ये जो मार्च है, सॉरी मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहा था अनिल जी, मार्च 20 का 19 करोड़ का पैट है और वही मार्च 2019 में सिर्फ 6 करोड़ का पैट था, तो ये तो मार्च की बात कर रहा हूं। और जून का क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से मीडियम टर्म में 50 रुपए तक के लेवल्स बहुत इजीली छू के दिखा। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक्स ले लेते हैं। जैन साहब बताइए आपके एसपीएल मिड कैप शॉर्ट टर्म पिक्स। शॉर्ट टर्म पिक में अनिल जी पहले भी दिया हुआ है मैंने ये स्टॉक एक्जो नोबेल, और जब भी पेंट्स की बात होती है तो एक्जो नोबेल की बात मैं जरूर से करता हूं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड नीदरलैंड्स बेस्ड एमएनसी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है एक्जो नोबेल। और उसमें सबसे बढ़िया बात क्या, एक्जो नोबेल में जो दूसरी पेंट्स कंपनियां, भले वो एशियन पेंट्स हो या कांसाई नेरोलेक हो या बर्जर पेंट्स हो, उनके सामने इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। और सबसे बढ़िया बात है 33 के पी मल्टीपल पे है, जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 24-25% है, डिविडेंड ठीक ठाक देती है और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है, 1650-1700 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट लगता है, क्योंकि पूरे इस रैली में अभी तक ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि पहले ये थोड़ा चला हुआ स्टॉक था। और अब मुझे जो अच्छी बात और एक और लगती है इसमें
कि पिछले जो 3 साल 5 साल के जो ग्रोथ है करीब 15% के लगभग है। क्रूड ऑयल जो अभी टूटा हुआ है, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पेंट सेक्टर होता है, हालांकि डिमांड को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 6 से 9 महीने की अवधि की मैं टाइम दे रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रूरल कंजम्पशन है, जो अच्छा मॉनसून है, उन सब का बेनिफिशियरी ये स्टॉक भी होगा। सो मेरे हिसाब से एक जो 60 साल पुरानी एक बेहतरीन पुरानी आईसीआई के नाम से इस कंपनी को जाना जाता था, उस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। हो सकता है धीरे धीरे चलेगा, बट आने वाले कुछ महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आराम से अपना जो टारगेट है वो करीब 2020 लाख के लगभग का शॉर्ट टर्म में ये छू सकता है।